एक बार नारा लगवा दीजिए कर्मचारी यूनियन का कार्यालय सचिव हम लोगों का ये कहना आप सिवान सहकारी सूता मिल के काफ़ी पुराने वर्कर हैं और इसमें आप ने खून पसीना लगाया है, ऐसे में सरकार अब इस जगह को इंजीनियरिंग कॉलेज के खोलने की कवायद शुरू कर दिया है, अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, क्या आप लोग करेंगे? पहले हम लोगों का यूनियन के तरफ से मजदूर के तरफ से है कि हम लोगों के या तो रोज़गार कहीं दे या इसमें कारखाना दूसरा लगाए जिसमें हम लोग अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करेंगे, और दूसरा हम लोग का जो बकाया तनख्वाह है 20 साल का वो तनख्वाह हम लोग को दे दे। हम लोग 500-620 आदमी 620 हैं 537 आदमी इसमें कर्मचारी है, 537 कर्मचारी को अगर भुगतान नहीं देकर इस ज़मीन पर कोई भी नया काम होगा तो हम लोग यहाँ सत्याग्रह आंदोलन भूख हड़ताल सब इस जमीन पर करेंगे। इसके लिए पूरा जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी क्योंकि हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हम लोग कोई चंदा मांग नहीं रहे हैं, लोग काम किए हैं उसका बकाया पैसा मांग रहे हैं, दूसरा सरकार इस पर अपना दूसरा काम करने जा रही है, उस काम से हमको कोई मतलब नहीं, हमको रोजगार दे दे, हमारा बकाया पैसा दे दे, इस पर जो सरकार को लगाना है उद्योग नहीं लगाना है, कॉलेजे बनाना है, सिवान के धरती पर ही कॉलेज बन रहा है, लेकिन हम लोगों को बच्चे के लिए हमारे लिए भविष्य के लिए जो है हम लोगों को अभी आज भुखमरी के कगार पर हम लोगों का व्यवस्था गवर्नमेंट कर दे और हम जो है उनके सहयोग में और साथ हैं, और जो भी सरकार का हम लोग आज एक साल से चिट्ठी किया है आपका उप सचिव के पत्र भी आया हुआ है, आज एक साल हो गया कि आप लोगों का बकाया वेतन और आप लोगों का नौकरी जो जिसका जो नौकरी बचा हुआ है सब देंगे, लेकिन आज तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग अपना धरना प्रदर्शन चिट्ठी जो है करते रहे और सरकार अब नहीं इस पर अगर निर्णय लेगी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और उसकी जिम्मेवारी पूरा सरकार की होगी। कर्मचारी यूनियन सरकारी सूता मिल कर्मचारी यूनियन के सचिव हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार कवायद शुरू कर दी, आप पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तक आप लोगों का वेतन नहीं मिला ना आपका समायोजन सेटलमेंट कहीं कर रही है सरकार, ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रहा है, आपका स्टैंड क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखिए हम सिवान सहकारी सूता मिल के कर्मचारी यूनियन के सचिव हैं, हम हर चीज़ का अवगत सरकार में कराए हुए हैं और कराते आते हैं, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल रहा है उसका तो हम लोग खुल्लम विरोध करेंगे, इसलिए कि किसी का भविष्य मार कर किसी का भविष्य उज्जवल हो नहीं सकता है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं, संघर्ष करेंगे, जब तक हम लोगों का वेतन या संयोजन नहीं हो जाता तब तक यहाँ से एक ईंट नहीं घसकने देंगे, इसके लिए हमको या हमारे मजदूर को कहीं जेल भरा जाए या रोड जाम करना होगा या जो भी करना होगा हम लोग करके दिखाएंगे, इसलिए कि हम लोग 537 आदमी है, 537 आदमी में कम से कम उसको परिवार को जोड़ा जाए तो कम से कम हम लोग 5000 आदमी हैं, 5000 आदमी आज हम लोग 20 बरस से कैसे जी रहे हैं, कोई सरकार कोई नेता हम लोगों को पूछने नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों के साथ अगर अत्याचार हुआ और मिल में हाथ लगाया गया बिना वेतन और समायोजन के तो हम लोग यहाँ तो कुछ भी करने के लिए उग्र हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इसका जिम्मेवार यहाँ के कलेक्टर या SP या यहाँ के नेता लोग होंगे। ये बताइए आप
सिवान सहकारी सूता मिल के पुराने कामगार हैं, वर्कर हैं यहाँ के। आप मिल में खून पसीना भी लगाया है आपने, ऐसे में मिल बंद हुए 20 वर्ष हो गए, कैसे आपका भरण पोषण चल रहा है? भरण पोषण के विषय में आप पूछेंगे तो जो भी मिल के एम्प्लॉज कर्मचारी मजदूर जो भी हैं उनका परिवार बिखर गया, कुछ तो मर गया, कुछ खाने की वजह से मर गया और कुछ बीमारी से ग्रसित होकर मर गया। वो अपना पालन पोषण भीख मांग के किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा है, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए दाने दाने के लिए उसके बच्चे तरस रहे हैं। आज तक ना गवर्नमेंट कुछ किया और ना ही सरकार किया और ना ही यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, MLA हैं, MP हैं, वो भी कुछ नहीं किए। यहाँ तक कि हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर रखा है, केस के दरमियान हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन को बियाड़ा को या किसी को नहीं देना है, यहाँ तक कि आदेश को खारिज किया। उसके बाद भी हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, तो इस परिस्थिति में जब तक कि हम लोगों का भुगतान और जब तक कि हम लोगों का समायोजन नहीं हो जाता तब तक इस भूमि के ऊपर इस फैक्ट्री के कंपज में किसी तरह का काम नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए अनशन प्रदर्शन या हम लोग आत्महत्या करना होगा तो करेंगे, इसके लिए हम सब मजदूर थे। इंकलाब, इंकलाब। मीटिंग किया है सारे वर्करों को बुलाकर, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? हमको चैनल के माध्यम से ही जानकारी हुआ कि यहाँ का जमीन आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए। तो हम लोग यही अपना कार्यकारी का बैठक रखें कि हम लोग किसी भी हाल में जब तक मजदूरों का बकाया वेतन नहीं मिल जाता है हम लोग यहाँ एक ईंट नहीं रखने देंगे, किसी को कैंपस के अंदर नहीं घुसने देंगे। और हमारी यही मांग है कि उद्योग की ज़मीन है और यहाँ उद्योग ही लगाया जाए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पकौड़ा बेचने वाला सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन करा लेता है बच्चा, अगर गवर्नमेंट गारंटी दे कि जो यहाँ से पढ़ के बीटेक पास करेगा उसको हम जॉब देंगे तभी हम अपने प्रांगण में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने देंगे, उनको पकौड़ा बेचने के लिए हम यहाँ कॉलेज नहीं खोलने देंगे। लूट खसोट यहाँ पे जो योजना वो लोग लगाना चाहते हो हम लोग नहीं लगाने देंगे। क्या लग रहा है ऐसे में जो सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का कवायद शुरू कर दिया है तो मजदूरों के हित में ये काम नहीं हो रहा है? कहाँ मजदूरों के हित में काम हो रहा है, मजदूरों के हित में अगर काम करना है, इंजीनियर के हित में अगर काम करना है, युवाओं के हित में काम करना है तो उद्योग तैयार करें, उद्योग में वर्कर आएंगे जो भी युवा हैं उनको काम करने के लिए रोजगार मिलेगा उस पर काम करें। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बिहार में बहुत से सिवान में हैं भी, इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट लेके बच्चे जाते हैं पटना दिल्ली और जाके प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ लात घुसा खाते हैं। उससे बेहतर है कि हमारे ज़िला में जो भी उद्योग है उनको चालू किया जाए और बहुत सारी ज़मीनें जो खाली पड़ी है वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए, उसका स्वागत है इंजीनियरिंग कॉलेज का, लेकिन इस प्रांगण में नहीं बनेगा। पहले यहाँ वेतन भुगतान हो इनका और यहाँ उद्योग लगाया जाए। हम सिवान के नेताओं से और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उद्योग की बात करें, कॉलेज की लूट खसोट योजना की बात मत करें।